मेरा वहां पर माता जी के स्थान से थोड़ी दूरी पर है सब व्यवस्था, लोखरा एरिया है गुवाहाटी का, क्योंकि सारी नदियां स्त्रीलिंग में है लेकिन ब्रह्मपुत्रा पुलिंग है, नद है वो, नदी नहीं है। और मासिक धर्म से संपूर्ण ब्रह्मपुत्रा नदी का जो जल है रक्त वर्ण हो जाता है। वहां 1.25 मीटर का वस्त्र, ये वाला वस्त्र, ये चढ़ाया जाता है और बड़े बड़े तांत्रिक 10 महाविद्या के साधक वहां साधना करते हैं और वही वस्त्र ये हाथों में बंधवाया जाता है प्रसाद स्वरूप, जो बड़े ही सौभाग्यशाली को मिलता है। जहां जहां माता जी का शरीर का अंग गिना वहां पर देवियों की स्थापना हो गई। शक्ति के बिना शिव अधूरे होते हैं, प्रकृति के बिना पुरुष। आज आत्मदेव वही कह रहे हैं यहाँ पर अपनी अर्धांगनी से। तो स्त्रियों की भाषा बताई जानी चाहिए, माफ करना मैं हमेशा वात्सल्य भाव में कथा करता हूं, क्योंकि लाइफ नेम इज लर्न एंड टीच। सर्वविद इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। और मुझे मेरे जो तंत्र के गुरु थे बंगाल के थे, अभी तक तो मेरे 6 गुरु हो चुके हैं, सदगुरु एक ही है, वो ब्रह्मलीन हो गए। बाकी तंत्र जिससे सीखा, 10 महाविद्या जिससे सीखी, सब गुरु ही है ना। माता पिता के सानिध्य से जहाँ से आए, धरती गुरु है, माँ गुरु है। मैंने एक ही चीज़ सीखा था कि जीवन में सबसे ज़्यादा लगाव माता और पुत्र का होता है, लेकिन माँ पुत्र को गोद में उसी समय तक रखती है जब तक वो छोटा होता है। जैसे बड़ा हो गया, माँ बोलती है अब तेरी जिंदगी तू जी ले, तो मैं हमेशा छोटा बन के ही जीना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मातृत्व का भाव हमेशा चाहिए। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर, ऐसा बड़प्पन भी नहीं। स्त्री वही है, एक पुतना बनकर के कृष्ण के प्राण को लेने जा रही है, इसे उल्टा कहेंगे। स्त्री वही है, वनवास राम का होता है, लक्ष्मण भ्राता के प्रेम में जाने को तत्पर होते हैं। उर्मिला कहती है जाओ, मैं 14 वर्ष इंतजार करूंगी, इसे कुलतारिणी कहा करते हैं महाराज। शरीर वही है, वनवास तो राम का हुआ है, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, उर्मिला ने कहा नहीं आप अपने भ्राता के साथ में जाइए, भाई तो वो है जो भय मुक्त कर दे, लेकिन कलयुग का भाई भयभीत करता है, ये दुर्देव है। किस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं। उर्मिला ने कह दिया जाओ अपने भ्राता के साथ जाओ। और ये लक्ष्मण की सबसे बड़ी परीक्षा थी कि वनवास के समय राम के साथ तो उनकी अर्धांगनी थी, लेकिन उर्मिला 14 वर्ष तक द्वार पर खड़े होकर के स्वामी का इंतजार कर रही थी। ऐसी माताओं को मेरा बार बार प्रणाम। मैं चाहता हूं हर घर में उर्मिला हो। रामायण में एक प्रसंग आया है, तिवारी बाबा, रामायण में एक प्रसंग आया है, जब सुनैना ने जानकी को विदा किया तो कुछ सिखाया था ना। सुनैना जानकी की माँ ने जब जानकी को विदा किया है तो जानकी को सिखाया था, सत्य वचन मम उर धै लेहु, मात पिता गुरु सेवा करहु। माता का पिता का गुरु का सेवा करना, अगर ये क्रोध में कुछ कह दे तो वापस जाके इनकी कुशलता हंस के पूछ लेना, ये भारतीय संस्कृति की सती व्यवस्था है महाराज।
और इतना सुंदर प्रमाण आया रामायण में कि एक दिन कौशल्या जी ने जानकी को आवाज लगाई, जानकी उनकी सेवा करने के लिए आई, उसके पैर में बुहारी लग गई, झाड़ू लग गया और आग लग गई। जानकी के चरण में बुहारी लग गया, अग्नि लग गई और कौशल्या कहने लगी, ओ बेटी कल से मेरी सेवा करने मत आना। जानकी ने कहा, माते क्यों? बोले, अगर आपके चरण में बुहारी लगी, आग लग गया, मैं जल जाऊं तो क्या होगा? बड़ा सुंदर सा जवाब दिया जानकी ने। कहा, माँ जलता तो वो होता है जिसके अंदर विकार की अग्नि होती है। अरे माँ तू तो प्रेम की सागर है, तेरे चरण छूते ही संपूर्ण जीवन की अग्नि बुझ जाती है। ऐसे हर बहु सास को समझनी चाहिए, ये भारत की सती व्यवस्था। सुनैना ने समझाया, लेकिन आज वाली सुनैना जो समझाती है ना वो विमुख है। सत्य वचन मम उर धर ले हूं और पहुंचत दुई चूल्हा कह ले हूं। समझ ले कि नहीं? मेरी सत्य बात रख लेना, जाते ही घर में दो दरवाजे बना देना, भोजन इकट्ठा बनाना ही नहीं। तो भाई पहले तो आते बाबा जी, मेरी बहू सुनती नहीं। क्या करें स्वामी जी, बहू विमुख हो गई है, बेटा सुनता नहीं है। हाँ, तो आपने अपनी बेटी को जो सिखाया हो, ये सनातन है मेरी बहनों। यहाँ पे कहा जाता है कि बेटी की डोली जाती है और अर्थी के दर्शन होते हैं, कि बेटी माँ बाप की नाक होती है, उसको कभी सर नहीं झुकाने देना चाहिए। अगर ये एक जन्म की माँ है तो दूसरी कर्म की माँ। समसमधि की भाषा होती है। अगर ये जन्म की माँ है तो वो कर्म की माँ है, उसको भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए। राधे राधे धन बांट ले आधे आधे, ऐसी कथा में कुछ नहीं होगा। हम कितने भी ताल और ढोलक की ताल और गाल बजा ले, कोई फर्क नहीं होगा। अगर सनातन को जिंदा रखना है तो अतिथि परायणता देखनी होगी, गौ गंगा गुरु गायत्री गीता को देखना होगा, माता पिता की सेवा करनी होगी। इतना अटपटा हो गया सिखाओ साहब समय। मान लो माता पिता से आप दूर हो रहे हो, मान लो आपका गांव महसाना से 40 किलोमीटर दूर है, आपका बच्चा बड़ा हो गया, 2 साल बाद आप जब घर जाते हो या आपके परिवार के लोग आते हैं तो बच्चा क्या बोलता है, अपन दादाजी के घर कब जाएंगे? यानी हम भूल गए ना सब कुछ। जब भी ऊंचाइयों पे चढ़ने लगो ना तो जरा नीचे देख लेना, पैर धरातल पे है कि नहीं। मैग्नेटिक एनर्जी नहीं रहेगी ना तो चंद्र लोग जैसे उड़ने लगोगे। वो आपको देखना है कि आपको वृक्ष बनना है या पतंग, ऊंचाइयों पे उड़ना है डोर दूसरे को दे देनी है, या वृक्ष बनना है कि जितना ऊपर उतने नीचे जड़े। तो मेरे भाई बहन, जैसे वृक्ष जड़ से जुड़ा है तभी शोभनीय है, ऐसे आप तभी तक सुखी हैं जब तक सनातन की रीति से, पैतृक परंपराओं से और संस्कारों से जुड़े। इसलिए इससे जुड़े रहो, ये मेरा निवेदन है। आइए, विषय चल रही थी नारी की श्रृंखलाओं की। कुछ हमारे शिष्य बोलते हैं, गुरुजी जब पहुंचते तो शुरू हो जाते हैं। मैं प्रामाणिकता की बात करता हूं। एक स्त्री देव की एक पूतना, एक जन्म देती है, दुग्धपान शारीरिक शक्ति के लिए पिलाती है, और एक वह है जो प्राण लेने के पिलाती है। दोनों में भेद हो गया कि नहीं? एक है जो शूर्पणखा रावण के कुल से, उत्तम कुल है, ब्राह्मण का परिवार है, एक नाक कान कटवा के कुल को सर्वनाश करवा देती है, और एक अनुसुईया है
जो सबको तार देती है। ये नारी नहीं नौरंगी है, सब कहते हैं दो रंगी है, मैं कहता हूं बहुरंगी है। ढक दे तो सारा कुल ढक दे, वरना ये माता चंडी है। हम तो आदिशक्ति मान के ही प्रणाम करते हैं भैया। महिला कहते हैं हम, मही यानी पृथ्वी को जो हिला दे, इतनी शक्ति मात्र शक्ति में होती है। आत्मदेव ने अपनी अर्धांगनी से कहा, ये फल खा लो, भोजन भक्षम कर लो, इसे भक्षण करो, आपको बेटा हो जाएगा। फल ले लिया, उठा के बाजू में रख दिया। चिंतन करने लगी, अगर मैं इसे खाऊंगी ना तो मेरा यवन क्षीण हो जाएगा, हा? अगर मैं इसे खाऊंगी तो मुझे गर्भ रहेगा, पीड़ा सहनी पड़ेगी, और ऐसे में बच्चा हो भी जाएगा तो घर की देख रेख करने के लिए ननद रानी आएंगी तो ढेर सारा माल ले जाएंगी। उस भय में बताइए, तो दशा ऐसी हो गई शेखावत साहब, एक पैर के नीचे लगने वाला टाइल्स और भगवान की मूर्ति एक ट्रक में या एक साधन से आ रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, यार एक ही खदान है, तुम्हें लोग पूछते मेरे पे थूकते ऐसा क्यों? हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे गुरुजी से जब हम प्यार से बात करते तो कि हमने ऐसा समय निकाला एक कि जब कोई आनंद की घड़ी आती थी पहाड़ों में तो अपना हाथ उठाता, वाह बेटा वाह ऐसे कर लेता था। तो मेरे शिष्य बोलते थे, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला, भाई गुरु पास में है नहीं तो ये हाथ गुरु का पीठ मेरा, इसलिए आनंद ले लेता हूँ। गांवों में जीने की आदत नहीं है। अब हमारे जिनका मैं चेला हूं उनके 1600 शिष्य हैं और सबसे छोटा मैं हूं, लेकिन पता नहीं सूर्य के प्रकाश के आगे अंधकार को थोड़ा खतरा रहता है। कुत्ते को घोड़े की गति और आदमी को दूसरे की प्रगति नहीं बर्दाश्त होती है, क्योंकि एक अर्जन के लिए भागता है और एक प्रकृति के सृजन के लिए भागता है। बोला हम तो आया राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये नहीं कर पाते ना। तो इस स्थिति का निर्माण मैंने देखा है कि प्रकृति में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से की तुलना करने जैसा नहीं हो सकता, हर चीज यूनिक है। मेरा दाता है ना, बड़ा अच्छा कलाकार है, सबके चेहरे बनाए हैं उसी ने, देखना सब में कहीं सेम है, 5% कैपेबिलिटी, फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट है। अब प्रकृति से बड़ा कलाकार कौन है? केला बनाया भगवान ने, उसमें मिठान क्या, ये आज के रिसर्चरों का बाप भरता है क्या? गौ के अंदर अगर देखा जाए साइंटिफिक, गाय के मुंह से लेके पीठ तक आप हाथ 4 बार फिरा दीजिए, और फिराने से पहले अपने बॉडी के एनर्जी को नाप लेना है। 5 बार फिराने के बाद अगर ऐसे में आपकी बॉडी एनर्जी 50 मीटर है तो 150 मीटर हो जाएगी, नाप लेना प्रैक्टिकली। हुआ क्या है, जैसे पीपल के पेड़ को हिंदू पूजता है और मुसलमान काटता है, क्योंकि इसे धर्म से जोड़ा गया है। और इंडिया में एक बहुत अच्छे विद्वान हुए विदेशी पापलोन, उन्होंने लिखा था कि इंडियन कल्चर में धर्म का नशा अफीम के नशे से बढ़कर है। लेकिन मैं हमेशा यही निवेदन करता हूं कि धर्म के नशे में रहो, विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो, परिवार को भी देख लिया करो, थोड़ा सा आनंद है, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। प्राकृतिक व्यवस्था से आप एक चीज देखिए, मुस्लिम काटता है और हिंदू पूजता है, कारण धर्म से जोड़ा गया। लेकिन उन मूर्खों को यह अक्कल नहीं है ना कि प्रकृति में एक ही ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी जरूरत सबको होती है। बिना ऑक्सीजन के नहीं,
हमने जो समझाया लोगों ने समझ लिया, अधूरा ज्ञान दे करके लोगों को भ्रमित कर दिया। सनातन ये त्रिविध है, इसमें सारे विज्ञान है। धुंधकारी के जीवन की कथा तो हम सुनाएंगे, पहले धुंधली की बात कर ले, क्योंकि आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। जथे नामे तथे गुड़ा, आपन क्या बोलते, धुंधला दिखाई पड़ रहा है ना, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, ऐसे उसका मन मलिन है, मस्तिष्क से उसको धुंधला है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, दूरदर्शी दृष्टि नहीं। बुला लिया, अरे बहन अब मैं अगर ऐसा करूं तो कितनी पीड़ा होगी, ननद रानी को धन देना पड़ेगा, शरीर को पीड़ा। मैंने सुना है कि एक बच्चे का जन्म होता है तो 20 हड्डियां एक साथ टूटने के जितना दर्द होता है, भला कौन सहेगा। लोग कहते हैं पुत्र का जन्म होता है, लेकिन माँ का पुनर्जन्म होता है। इस भ्रांति में उसने किया नहीं तो बोले अब क्या करना, झूठ बोलना है और पति की मर्यादा भी रखनी है, तो भाई मेरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। ने कहा ऐसा है, सही बात अपनी बहन से सलाह की जाए। बहन को बुलाया, कहने लगी बहन ये ले इसका समाधान तो हमारे सामने, हमारे जो स्वामी है वो निर्धन है, गरीब है, आप हमें धन दे देना और मेरे कई पुत्र हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी वो आपको पुत्र दे देंगे। बोले फिर बाद में दुग्धपान कौन कराएगा। बोले उस समय आप कह देना कि मेरी सेवा के लिए ननद रानी नहीं, मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने फल उठा करके गैया को दे दिया। अब बताइए ईश्वर का द्वारा दिया हुआ सम्मान हर कोई सहन करता है, भगवान ने देने में क्या कमी करी बताओ। संत स्वरूप में नारायण मिले, अपने तप बल से उसे फल दिया, अब संभालने का काम अगर घर की लक्ष्मी ना करे तो क्या होगा। तो कई बार हम जो प्रसंग पे अभी बता रहे थे कि टाइल्स और भगवान का मूर्ति एक में आ रहा था, बोले एक ही जगह पे खदान से निकले, एक पर लोग पूजते हैं दूसरे पे थूकते हैं। पत्थर जो भगवान बना हुआ था उसने कहा भाई तू भी उसी खदान से, मैं भी खदान से हूं, पूजने से तुझे क्या तकलीफ हो रही है। तुझे ये भी एहसास है कि जब मेरा आकार आकृति बनाया होगा तो कितने हथौड़े चले होंगे, मैं उस दर्द को सहता रहा तो आज पूजने जैसा हो गया, और तू तो एक झटके में ही टूट गया, इसलिए पैरों के नीचे होता है। इसलिए मैच्योरिटी इज मोस्ट और सक्सेसफुल लाइफ, पेशेंस फुल होना बहुत जरूरी है, दर्द को सहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही आदमी ठाकुर बनता है। थोड़ा सा कष्ट शरीर को नहीं सहना है बेटा नहीं चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था कई बार बड़ा नुकसान देती है। आज बोलते हैं ना जो IVF करा लो, ये करा लो, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुआ वैसा, पति देवता से झूठ बोला और नगर में आनंदम आनंदम, भाई धुंधली गर्भवती हो गई, धुंधली गर्भवती हो गई। अपनी बहन के पुत्र के जन्म की स्थिति को स्वयं का पुत्र घोषित कर, ये मेरा पुत्र है। नगर में बधाव बजने लगे, आनंद बजने लगे, मंगल कीर्तन होने लगा कि आज आत्मदेव के घर में पुत्र पैदा हुआ है। धुंधली से उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया धुंधकारी। 3 महीने के बाद, क्योंकि प्रभु का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिस गैया को फल दिया गया था उससे भी एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है गोकर्ण। पूरा शरीर गैया के जैसे, पूरा शरीर मानो जैसा और कान गऊ के। गोकर्ण घर में ऐसी व्यवस्था को देख करके
आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, के लिए प्रभु ने सब दे दिया, अब तो मैं चला हरि भजन करने के लिए। आप भी हरि भजन करें, पुनः कथा को चल रहा कि जिंदगी को अपने चमन कारी ले, सुबह शाम हरी सुमिरन कारी ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन।
धुंधकारी बड़ा हुआ और गोकर्ण भी बड़े हुए। बच्चों के जन्म लेने के बाद आत्मदेव नैमिषारण्य तीर्थ में हरि स्मरण चिंतन के लिए चले गए। गोकर्ण ब्राह्मण कुल में थे, इसलिए अपने जप तप संयम लेकर वो तपस्या के लिए बाहर निकल गए और धुंधकारी की दशा बिगड़ गई। जैसे ही आदमी की आवक है जावक है, जैसी उसकी वृत्ति है उस तरी से धुंधकारी ने कुमार्ग का रास्ता पकड़ लिया, मदिरा का पान, और कुकर्म करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। माता पिता ने जब उसे पैसे नहीं दिए तो पांच वैश्याओं के लोभ में आकर के मां को जलाकर मार दिया। कल्पना करके देखिए कि मां ने बेटे की बनाई जो निराली शान है, जो कदर मां का न जाने वो बड़ा बेईमान है। मां का दिल गाय का होता सुनो सच्चाई है, और बेटे का कलेजा बना कसाई है। आज धुंधकारी ने अपनी मां को जला दिया तो जहां माया की यारी होती है वो कभी भवपार नहीं होता। उन वैश्याओं के तो ऐसे कई पति थे, उनके लोभ में आकर के उसने हजारों कर्जे कर लिए थे। उसने कहा इसे आज हम नहीं मारेंगे तो कल तो कोई मार ही देगा। तो यहाँ की बात जो है तिवारी जी, दशा कैसी हुई मालूम है आपको, सुनाते चलते हैं एक लाइन जी। ये मोहब्बत बड़ी बेवफा चीज है, बेवफा चीज है, इस अभागन का कोई भरोसा नहीं। मोहब्बत को मार दिया। वैश्याओं के लोभ में आकर के
आनंद के लिए। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि आप जीवन में भोग नहीं करते हो, भोग आपको भोगता है। कुवृत्ति में मांसाहार मदिरापान, इसका रीजन मालूम है? ही इज नॉट पैरस, मतलब ग्रास शूटर, ही इज पैरस शूटर। जो आदमी जीरो से खड़ा होता है ना, उसे पता होता है कि ये कहां से आई है। बच्चे को पता होता है मेरे पिता ने क्या त्याग किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी वेदनाएं सही हैं। और जो ग्रास शूटर है ना, हमेशा आप होता है। और पैरा शूटर, उसे बना बनाए मिल गया तो उसे सिर्फ इंजॉय से मतलब। माता को, अपनी माँ को उनके गिरफ्त में आ करके धुंधकारी ने मार दिया, और धुंधकारी को उन पांच वैश्याओं ने मार दिया। तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो होगा कल, ये गीता का वाक्य था। द्वारिका में गोपी तालाब में भगवान कृष्ण एक पैर ऊपर करके खड़े थे, अचानक एक बहेलिए ने तीर चलाया, भगवान के पैरों में लगा, मूर्छित हो गए। बहेलिया भागता हुआ आया, कहने लगा, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। भगवान ने कहा, कैसा त्राहिमान और क्यों त्राहिमाम? कहने लगे, कैसा त्राहिमाम और क्यों त्राहिमाम?